हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कश्मीर वैली का सेकंड पार्ट में। कश्मीर जिसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है, इस कश्मीर वैली को देखने के लिए लोग लाखों की तादाद में हर रोज आते हैं। टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर के बाहर लगी हुई इस भीड़ को देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर दिन यहाँ पे कितने लोग आते हैं, बल्कि हर साल करोड़ों की तादाद में टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आना पसंद करते हैं। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 10 करोड़ से ऊपर लोग कश्मीर वैली घूमने आए थे। सर्दी के मौसम में पूरे कश्मीर सफेद चादरों में ढक जाता है। यहाँ पे फैली हुई जमीन पूरे सफेद चादरों में ढक जाता है, बल्कि सिर्फ जमीन ही नहीं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत सब कुछ सफेद चादरों में ढक जाता है। एक खूबसूरत नजारा का लुत्फ उठाने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। यूं ही नहीं, कश्मीर को धरती का जन्नत कहा जाता है। इस एक्सप्लोरिंग वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ जगह दिखाएंगे जहाँ को देखने के बाद आप बिल्कुल घायल हो जाएंगे। यहाँ पे जाना हर किसी का सपना होता है। हजारों फीट ऊंचे पर्वतों से गिरता हुआ ये पानी दोपहर के टाइम में गिरता हुआ सिर्फ आप देख सकते हो। इस सर्दी के मौसम में सुबह शाम रात हर वक्त ये बर्फों में तब्दील रहता है। सिर्फ दोपहर के टाइम पे चारों तरफ बर्फ में एक सिर्फ इस झरने से गिरता हुआ पानी आप देख सकते हो। इसे देखने के बाद आप एकदम घायल हो जाएंगे। इसीलिए और ऐसे ही बहुत सारे खूबसूरत की नजरों के लिए कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। चारों तरफ से फैली पाइन का पेड़ और ऊपर से स्नोफॉल मानो दुनिया भर के लोगों को अपने तरफ आकर्षित करता है। लाखों की तादाद में हर रोज लोग आते हैं यहाँ पे और चारों तरफ घूमते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी कश्मीर का दौरा किया है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो की अंत में हम कुछ ऐसे ही प्लेस के बारे में आपको बताएंगे जहाँ जाने के बाद आप बिल्कुल घायल हो जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत है यह नज़ारा, इसीलिए कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। कश्मीर वैली की टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर के बाहर लगी हुई इस भीड़ को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर साल कितने लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। लाखों करोड़ों में आने वाली संख्या है इस कश्मीर वैली में। कश्मीर की इस खूबसूरत की देखने के लिए देश दुनिया से लोग आते हैं। इस स्नोफॉल के टाइम सबसे ज़्यादा इस सर्दी के मौसम में लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं। बल्कि सिर्फ सर्दी ही नहीं, हर वक्त यहाँ का मौसम बहुत ही खुशनुमा रहता है, इसलिए सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। सर्दियों के मौसम में स्नोफॉल होने की वजह से सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। इस खूबसूरत जमीनों में फैला हुआ ये सफेद चादर मानो दिल को अपने ओर आकर्षित करता है। लाखों करोड़ों में आने वाली टूरिस्ट इन जगहों की खूबसूरती लेने के लिए यहाँ पे दिन बिताते हैं। भारत की न्यू मैरिड कपल का बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन भी कश्मीर वैली होता है। इन खूबसूरत नज़ारों, पर्वतों के ऊपर से गिरता हुआ पानी के नज़ारा जो दिल को अपने ओर आकर्षित करता है। इस खूबसूरती का मजा लेने के लिए विंटर के सीजन सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। देखो, यहाँ पे जो गिरता हुआ पानी था वो भी बर्फों में तब्दील हो चुका है। गर्मियों के मौसम में यहाँ पे हर वक्त पानी ऊपर से गिरता रहता है।
और ठंडे के मौसम में सिर्फ दोपहर के टाइम पे आप यहाँ पे वाटरफॉल का मजा ले सकते हैं। इस वाटरफॉल की चारों तरफ से गिरता हुआ स्नोफॉल इस सफेद चादर इस वाटरफॉल को चार चांद लगा देता है। एक छोटा सा विलेज इस कश्मीर वैली का जो बेहद ही खूबसूरत है। चारों तरफ पाइन का पेड़ और इसके अंदर से निकलता हुआ एक छोटा सा हाईवे जो टूरिस्ट को अपने ओर आकर्षित करता है इस विलेज की ओर। कश्मीर जाना तो भारतीय युवाओं का दिल में एक चाहत होती है कि वे जिंदगी में एक बार कश्मीर घूमने जरूर जाएं। धरती के सर कहे जाने वाली इस कश्मीर वैली को देखने के लिए दूर दरार से लोग आते हैं। विंटर सीजन के टाइम भारत के 30% लोग कश्मीर वैली घूमने जाना सबसे पसंद करते हैं। इस छोटे से पर्वतों में देखा हुआ एक छोटा सा घर जो बेहद ही खूबसूरत है। इसके साइड से निकलता हुआ वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत है और नीचे टापुओं में एक छोटा सा रेस्ट प्लेस है जो इस वाटरफॉल के साइड मौजूद है। इस सर्दी के मौसम में मार्केट का हाल कुछ इस प्रकार है, बहुत ही खूबसूरत नजारा है। यहाँ पे बर्फ गिरते हुए खूबसूरत नजारा सामने आया है जो इस घर के साइड से निकलता हुआ एक ब्रिज भी है। टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर के बाहर लगी हुई एक भीड़ जैसे कि देख पा रहे हो लाखों की संख्या में आए हैं यहाँ पे लोग। सिर्फ यही नहीं, कश्मीर वैली की दूसरे साइड में भी लोग आते रहते हैं। और यूं ही नहीं, कश्मीर को धरती का जन्नत कहा जाता है। इस वीडियो को देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कश्मीर वैली को धरती का जन्नत कहा जाता है। टूरिस्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं और इस सर्दी का मजा ले रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आपके दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।